इलेक्शनों में आज बात करेंगे मुरादाबाद ग्रामीण विधानसभा के। कई धुरंधरों की कर्मभूमि रही है ये सीट, पर दिग्गजों से घिरी ये विधानसभा आज भी आंसू बहाने को मजबूर है, क्योंकि यह विकास की जरा सी रोशनी आज तक नहीं पहुंची है। एक बार फिर चुनाव है और इस विधानसभा की जनता भी तैयार है उस प्रत्याशी को चुनने के लिए जिसमें जनता को उम्मीद की किरण नजर आएगी। मुरादाबाद जनपद में 1957 में अस्तित्व में आई मुरादाबाद ग्रामीण विधानसभा सीट का अपना राजनीतिक महत्व है। 1957 से 2012 तक हुए विधानसभा चुनावों में इस सीट पर निर्दलीय से लेकर राजनीति के बड़े धुरंधर तक चुनाव लड़कर विधानसभा तक पहुंचे हैं। पिछले परिसीमन के बाद सीट का भौगोलिक समीकरण बदल गया है। मुरादाबाद शहर का बड़ा हिस्सा इस विधानसभा सीट में शामिल होने के बाद इस सीट के मुद्दे और समस्याएं भी अलग हुई हैं। रामगंगा नदी पर तटबंध का निर्माण हो या शहर की पॉश कॉलोनियों में सफाई की व्यवस्था न होना यहाँ की अहम समस्याएं हैं। वहीं बिजली कटौती और देहात क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव लोगों के मुख्य मुद्दे हैं। पर इससे पहले इस सीट के सियासी आंकड़े आपको बताएं, एक नज़र इस सीट की खासियतों पर भी डाल लेते हैं। 1957 में पहली बार अस्तित्व में आई मुरादाबाद ग्रामीण सीट। इस सीट पर पहली बार निर्दलीय प्रत्याशी ने जीता था चुनाव। मुरादाबाद ग्रामीण सीट अनारक्षित सीट है। फिलहाल सपा का है इस सीट पर कब्जा। साक्षरता 47.4%, शहरीकरण 33%। तो ये तो थी इस सीट की कुछ खास बातें। मुरादाबाद ग्रामीण में समस्याओं का अंबार है और इन्हीं समस्याओं के इर्द गिर्द यहाँ की राजनीति भी घूमती रहती है। हालांकि यहाँ की जनता को सपा पर काफी एतबार है, यही वजह है कि पिछले दो चुनावों में जनता ने इस सीट को सपा को ही सौंपा है। एक नजर डाल लेते हैं इस सीट पर हुए चुनावों के नतीजों पर भी। 16वीं विधानसभा के चुनावों के नतीजों पर नजर डाले तो सपा के शमीमुल हक ने जीत हासिल की। उन्हें 72,213 वोट मिले और उनका वोटिंग प्रतिशत रहा 39.98। सुरेश चंद्र सैनी बीजेपी के दूसरे स्थान पर रहे। उन्हें 49,477 वोट मिले और उनका वोटिंग प्रतिशत रहा 27.39। इफ्तिखार अहमद कांग्रेस के तीसरे स्थान पर रहे। उन्हें 23,932 वोट मिले और उनका वोटिंग प्रतिशत रहा 13.25। मोहम्मद नासिर डीएसपी के चौथे स्थान पर रहे। उन्हें 23,408 वोट मिले और उनका वोटिंग प्रतिशत रहा 12.96। तो वहीं 15वीं विधानसभा के चुनावों में भी सपा ने ही इस सीट पर कब्जा किया था। एक नजर 15वीं विधानसभा के नतीजों पर डाले तो सपा के उस्मानुल हक ने जीत हासिल की थी। उन्हें 49,194 वोट मिले और उनका वोटिंग प्रतिशत रहा 29.09। रामवीर सिंह बीजेपी के दूसरे स्थान पर रहे। उन्हें 46,034 वोट मिले और उनका वोटिंग प्रतिशत रहा 27.22। चौधरी सौलत अली आरएलडी के तीसरे स्थान पर रहे। उन्हें 20,276 वोट मिले और उनका वोटिंग प्रतिशत रहा 11.99। फैजुल्ला चौधरी बीएसपी के चौथे स्थान पर रहे। उन्हें 20,092 वोट मिले और उनका वोटिंग प्रतिशत रहा 11.88। सपा दो बार के चुनावों में नंबर वन पार्टी रही है, तो वहीं बीजेपी दोनों चुनावों में नंबर दो की पोजीशन में रही है। ऐसे में बीजेपी की हसरत इस बार इस सीट को अपने नाम करने की है। तो वहीं सपा एक बार फिर इस सीट पर जीत का परचम लहराने की कोशिश में है। बीएसपी भी इस सीट को जीतने की फिराक में जी जान से जुटी है, पर जनता है सब जानती है और अपनी इसी सूझबूझ से वो उस पार्टी को जीत का परचम देगी जिसके वादों और इरादों पर उसको एतबार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। और चलिए अब इस विधानसभा सीट के जातिगत आंकड़े भी आपको दिखा देते हैं। मुरादाबाद ग्रामीण विधानसभा सीट पर स्थानीय मुद्दों की भरमार है, लेकिन चुनाव के वक्त
मतों का ध्रुवीकरण ही अहम भूमिका निभाता है। हक परिवार के इर्द गिर्द घूमती राजनीति के चलते मुस्लिम मतों का ध्रुवीकरण कर सीट कब्जाने की कोशिश सभी दल करते हैं। ग्रामीण विधानसभा सीट पर सबसे बड़ी समस्या नदियों के किनारे तटबंध न होने के चलते बाढ़ की स्थिति है। देहात और शहर में नदी किनारे सटे इलाकों में हर साल बाढ़ के हालात बनते हैं, बावजूद इसके अभी तक इसका कोई समाधान नहीं हो पाया है। इसके साथ ही बिजली की कटौती, मोहल्लों में सफाई व्यवस्था दुरुस्त न होना, कानून व्यवस्था की लचर हालत और ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव मुख्य मुद्दे हैं। ये वो मुद्दे हैं जो आम जन की परेशानी का बड़ा कारण है। ऐसे में ये मुद्दे हर बार चुनावों में अपना रोल अदा करते हैं। जनता तैयार है और परेशानियों की एक लंबी फहरिस्त उसके हाथों में है। ऐसे में किसी भी प्रत्याशी के लिए इस सीट पर जनता को मनाना आसान नहीं होगा। बात जनता की निकली है तो एक नजर डाल लेते हैं 16वीं विधानसभा में मतदाताओं के आंकड़ों पर। कुल मतदाता 3,05,396, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,77,912, महिला मतदाताओं की संख्या 1,37,476 और अन्य शून्य। तो वहीं इस बार के विधानसभा चुनावों में इन आंकड़ों में उछाल आया है। इस बार के वोटर्स के आंकड़ों पर एक नजर डालें तो कुल मतदाताओं की संख्या 3,45,451, पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,88,650, महिला मतदाताओं की संख्या 1,56,788। साफ है कि आंकड़ों में जो बढ़ोतरी हुई है उनमें उन मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है जो युवा हैं। ये वो वोटर्स होते हैं जिन्हें हर पार्टी अपनी ओर करने की जुगत में रहती है, पर इन वोटर्स को अंदर खाने करना आसान नहीं होता। वजह ये युवा हैं और पढ़े लिखे भी। ऐसे में जिस पार्टी के वादों और इरादों में सच्चाई झलकती है युवा उसी की ओर अपना रुझान देते हैं। वही एक और आंकड़े भी है जिनका जिक्र यूपी की सियासत और चुनावों में करना जरूरी हो जाता है। हम बात कर रहे हैं जातिगत आंकड़ों की। ये वो आंकड़े हैं जिनके चलते राजनीतिक दल अपने प्रत्याशी तक बदल डालते हैं। एक नजर मुरादाबाद ग्रामीण विधानसभा में जातिगत आंकड़ों पर भी डाल लेते हैं। मुस्लिम 55%, ब्राह्मण 7%, दलित 12%, वैश्य 5% और सैनी 8%। ये मुस्लिम बहुल इलाका है और ये भी साफ है कि यहाँ वो जिसकी ओर मुड़ जाते हैं जीत उसकी ही हो जाती है। ऐसे में हर पार्टियां इन वोटर्स को रिझाने में जी जान लगा रही हैं, पर बात अगर बीजेपी की करे तो वो ब्राह्मण, वैश्य और सैनी वोटर्स के जरिए इस सीट को जीतने का सपना देख रही है। ऐसे में जनता किसका सपना पूरा करेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। तो मुरादाबाद की हम बात कर रहे हैं। मुरादाबाद इसे लोग इस नाम से तो जानते ही हैं, पर पीतल नगर से इस जिले की एक अलग ही पहचान है और इसी जिले की शहर विधानसभा में इस कारोबार की अपनी अलग ही चमक है। शहर विधानसभा की जनता चुनावों के लिए तैयार है और वोट के जरिए वो अपनी नई सरकार को लाने का मन भी बना चुकी है। ऐसे में क्या है इस सीट का सियासी समीकरण, दिखाते हैं आपको। दुनिया में पीतल नगरी के नाम से मशहूर मुरादाबाद जनपद का अपना राजनीतिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व रहा है। कारोबार के जरिए दुनिया में अपने हुनर का डंका बजाने वाले इस शहर को आज भी सोने की चमक लिए पीतल की वजह से जाना जाता है। मशहूर शहर जिगर मुरादाबादी से लेकर आजादी की लड़ाई लड़ने वाले मज्जू खां हो या फिर सूफी अम्बा प्रसाद, हर किसी को इस शहर की जमीने भरपूर प्यार से नवाजा है। मुगल सम्राट शाहजहां के बेटे मुराद के नाम पर रामगंगा नदी के किनारे बसाए इस शहर को रामगंगा नदी की रेत ने वो कारोबारी नुस्खा दिया जिसके चलते शहर अपना रास्ता बनाता चला गया। 2017 के विधानसभा चुनाव के रण के लिए पीतल नगरी एक बार फिर तैयार होने लगी है, पर इससे पहले मुरादाबाद शहर सीट के और सियासी आंकड़े आपको बताए, पहले एक नजर डाल लेते हैं इस सीट की कुछ और खासियतों पर भी। 1957 में पहली बार हुआ इस सीट पर चुनाव।
403 विधानसभा सीटों में इस सीट की संख्या 28। फिलहाल इस सीट पर है सपा का कब्जा। साक्षरता 47.4%, शहरीकरण 33%। मुरादाबाद जिले की यह सीट अनारक्षित सीट है। पिछले चुनावों में 53.85 रहा था वोटिंग प्रतिशत। तो ये तो थी इस सीट की कुछ खासियतों पर नजर, पर इससे पहले इस सीट के और आंकड़ों पर बात की जाए, जरूरी हो जाता है इस सीट पर हुए पिछले विधानसभा चुनावों के नतीजों पर एक नजर डाल दी जाए। 16वीं विधानसभा चुनावों के नतीजों पर अगर नजर डाली जाए तो सपा के मोहम्मद यूसुफ अंसारी ने जीत हासिल की थी। उन्हें 88,341 वोट मिले थे और उनका वोटिंग प्रतिशत रहा था 42.18। वहीं बीजेपी के रितेश कुमार गुप्ता दूसरे स्थान पर रहे। उन्हें 68,103 वोट मिले और उनका वोटिंग प्रतिशत रहा 32.52। संदीप अग्रवाल बीएसपी के तीसरे स्थान पर रहे। उन्हें 32,739 वोट मिले और उनका वोटिंग प्रतिशत रहा 15.63। वहीं कांग्रेस की फूलवती सैनी चौथे स्थान पर रही। उन्हें 12,598 वोट मिले और उनका वोटिंग प्रतिशत रहा 6.0। सपा ने इस सीट पर भी अपना कब्जा जमाया था। मुरादाबाद विधानसभा सीट 1957 में अस्तित्व में आई और उसके बाद इस सीट पर कभी भी किसी दल का एकाधिकार नहीं रहा। देश की राजनीतिक गतिविधियों का गहरा असर इस सीट पर हमेशा देखने को मिला। अस्तित्व में आने के बाद से कांग्रेस इस सीट पर अन्य दलों को टक्कर देती रही, लेकिन 1989 और 1991 के विधानसभा चुनाव में जनता दल ने इस सीट पर कब्जा जमा लिया। पर फिलहाल कांग्रेस इस सीट पर चौथे स्थान पर है। यूपी चुनावों में इस बार कांग्रेस सपा के साथ गठबंधन में है। ऐसे में इस सीट पर सपा की दावेदारी और मजबूत होती है। पर दूसरे नंबर पर रही बीजेपी भी इस कोशिशों में है कि वो इस सीट पर अपना कब्जा जमा ले। तो वहीं बीएसपी भी कुछ ऐसे ही इरादे पाले हुए हैं। पर ये तो जनता को तय करना है कि उसे इन सब दलों में किस पर एतवार है और वो किसे इस बार चुनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। इलेक्शन रूम में हम बात कर रहे थे मुरादाबाद शहर विधानसभा सीट की, उसका हमने आपको सियासी गणित बताया। और चलिए अब इस सीट पर जातिगत आंकड़ों के बारे में भी आपको बता देते हैं। सांप्रदायिकता के लिहाज से अत्यंत संवेदनशील जनपदों में से एक मुरादाबाद जनपद ने समय 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 पर गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल भी पेश की है। राम गंगा के किनारे की रेत ने मुरादाबाद को पीतल का हस्तशिल्प तोहफे में दिया तो रातों रात इस शहर की तकदीर बदल। पूरी दुनिया पीतल कारीगरों के हाथों की उंगलियों के हुनर को सलाम करने लगी और देखते ही देखते हर साल 5500 करोड़ से ज्यादा का विदेशी व्यापार इस शहर से दुनिया में होने लगा। बदलते वक्त के साथ राजनीतिक और सामाजिक उपेक्षा के चलते लाखों कारीगर इस उद्योग को छोड़ गए और बद से बदतर होते कारोबार को अब अपना अस्तित्व बचाने के लिए जूझना पड़ रहा है। बिजली की समस्या ने जहां हस्तशिल्प उद्योग की कमर तोड़ दी तो वहीं पीतल की सिल्लियों की कीमतों ने भी जमकर कारीगरों पर कहर बरपाया। इन सब परिस्थितियों के बीच शहर फिर भी अपनी चमक बिखेर रहा है, न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में। पीतल की चमक बिखेरने वाला ये शहर अब तैयार है विधानसभा चुनाव के लिए। ऐसे में एक नजर डालते हैं सीट पर 16वीं विधानसभा और इस विधानसभा में होने वाले चुनावों में वोटर्स की संख्या पर। कुल मतदाता 3,88,966, पुरुष मतदाता 2,13,416, वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 1,75,487 और अन्य 0। तो वहीं इस बार के विधानसभा चुनावों में इन आंकड़ों में एक बड़ा उछाल आया है। इस बार के विधानसभा चुनावों में वोटर्स के आंकड़ों पर एक नजर डाले तो कुल मतदाता 4,50,506, पुरुष मतदाता 2,46,183, महिला मतदाताओं की संख्या 2,04,289 और अन्य 34।
साफ है कि पिछले बार के चुनावों के मुकाबले इस बार वोटर्स के आंकड़े काफी बड़े हैं। इन वोटर्स में ज्यादातर वो वोटर्स हैं जो पहली बार वोट करेंगे और युवा भी हैं। ऐसे में हर पार्टी के लिए इन युवा वोटर्स को अपनी ओर करना जरूरी हो जाता है, पर युवा वोटर्स किसी के हाथ इतनी जल्दी कहां लग पाते हैं। ऐसे में सिर्फ कोरे वादों पर नहीं, कुछ कर दिखाने की मंशा हर किसी दल के लिए जरूरी हो जाएगी, तभी वो युवाओं के दिलों पर राज कर पाएंगे। एक और आंकड़े हैं जो हर पार्टी के लिए कड़ा इम्तिहान लेते हैं और वो है जातिगत आंकड़े। एक नज़र इस सीट के जातिगत आंकड़ों पर भी डाल लेते हैं। मुस्लिम 48%, वैश्य 18%, ब्राह्मण 7%, ठाकुर 6% और दलित 14%। पिछले परिसीमन के अनुसार शहर का कांट रोड से लगा हिस्सा देहात विधानसभा सीट का हिस्सा बन गया, जिसके बाद मुस्लिम मतदाताओं की तादाद इस सीट पर बढ़ी है। लिहाजा सभी दल कुछ ऐसी रणनीतियों में लगे हैं ताकि इतने बड़े वोटर को वो अपनी ओर कर सके। वहीं बीजेपी वैश्य ब्राह्मण वोटर के जरिए इस सीट को जीतने का सपना देख रही है। ऐसे में कौन जीतेगा और कौन हारेगा, जनता किस पर अपना भरोसा दिखाएगी, ये तो चुनावों के बाद ही तय हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।